इंडिया के तीन सिंगल मॉल्ट जिनके इंग्रेडिएंट सेम हैं, सिक्रो बार्ली, और जिनको मैच्योर भी किया गया सिंपलर कास्ट में। मैंने पूरी जानकारी दी थी कि कास्ट से क्या फर्क पड़ता है इंद्री की वीडियो में। तो पहला तो कि एक्स बर्बन फर्स्ट फिल कास्ट है, इसका मतलब है एक ही बार जो बर्बन फिल की गई है उसके बाद उस ओक कास्ट को इन्होंने यूज़ किया है। इससे क्या होगा, पहली बात कि वुड तो एक्टिव रहेगा, इसका मतलब है जो टनाइंस हैं, जो ओक का फील है वो ज़्यादा आएगा, और वनीला, कैरमल और शुगर की ज़्यादा फीलिंग आएगी, पहली बात। दूसरी बात में, और ये भी बताया था कि ये जो कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला चल रहा है आजकल विस्की बनाने में, इन थ्री मंकीज की वीडियो में। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल इंडियन विस्की सीन में जहाँ तक सिंगल मॉल्ट का सवाल है, ये फॉर्मूला भी यूज़ किया जा रहा है। क्या है फॉर्मूला, बार्ली को या तो हरियाणा से या राजस्थान से लेकर आइए, उसकी डिस्टिलेशन कीजिए, उसकी मैच्योरेशन कीजिए, किस में, तीन कास्ट में, सेम तीन कास्ट में, एक्स बर्बन, एक्स शेरी, एक्स वाइन। टाइम निकाल के देख लीजिएगा, पसंद आएगा ज़रूर। आज हम बात करेंगे कामट के बारे में। कामट वो पहली सिंगल मॉल्ट है इंडिया में जिसने मैच्योरेशन के लिए वाइन कास्ट यूज़ किया था, उसके बाद तो आप जानते हैं कि बाकी लोग भी यूज़ कर ही रहे हैं। चलिए बिना किसी विलंब के चलते हैं और देखते हैं केस को। केस काफ़ी सुंदर है, ऊपर सूर्य से चमकता हुआ एक पहाड़ है, फिर लिखा हुआ है कामत, बता रहे हैं सिंगल मॉल्ट व्हिस्की, फिर एक तोते की डिपिक्शन है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तोते का बहुत रेलेवेंस है। माना जाता है कि अगर आप ज्योतिष के पास जाएं, अपना नाम बताएं, उम्र बताएं, तो तोते की मदद से आपका भविष्य बता सकता है। मेकर्स भी यही कह रहे हैं कि ये तोता आपको बता रहा है कि भविष्य में ये व्हिस्की बहुत चमकने वाली है। यहाँ बता रहे हैं 42.8% अल्कोहल, शायद और ज़्यादा स्ट्रेंथ में बनाई जा सकती थी, फिर 750 ml। नीचे बता रहे हैं कि इस कास्क में इसको मैच्योर किया गया है, जो है एक्स बर्बन कास्क, वाइन कास्क और शेरी कास्क। नीचे है क्वालिटी ऑफ इंडिया, सामने से सुंदर है, अच्छी दिख रही है, थोड़ा और बेहतर हो सकती थी। फिर से पीछे सूर्य से चमकता हुआ कामत, थोड़ा कामत के बारे में बात करते हैं। कामत इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। काफ़ी सुंदर है यह पहाड़, देखिए इसकी गरिमा। मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ। आगे देखिए, बता रहे हैं कि एक लेबल नहीं है, ये एक कहानी है, कहानी पुरातन पहाड़ों की, कहानी उस समय की जो बुला चुकी है दुनिया, कहानी उन लड़ाइयों को जिनको जीता गया है, कहानी लव की, रोमांस की, सिक्रो बार्ली की, और ये सारी कहानी आपको बता रहा है एक तोता। समझ में आता है कि पीने वाला एक कवि कैसे बनता है, ये बनाने वाला कवि कैसे बनता है भाई, ये बात गौर करने वाली है। परंतु आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं और कामट वाले। नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ डिस्टिल्ड ब्लेंडेड इन बॉटल बाय पिकाडिली। अगर आपको याद होगा तो इंद्री भी पिकाडिली वालों ने बनाई थी, ये भी उनकी है। यहां पर माजरा क्या है, चलिए उसको समझते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, पीक स्पिरिट जो इंडिया की फाइन वाइन लीडिंग इंपोर्टर हैं, उनके जो कोफाउंडर हैं अंश खन्ना पहुंचे पिकाडिली वालों के पास। अंश ने कहा पिकाडिली वालों कि भैया हमको बनवानी है आपसे एक बहुत बढ़िया सिंगल मॉल्ट, मैं दूंगा आपको अपनी वाइन कास्ट, बाकी आप सब संभाल लीजिएगा। फिर इस जॉइंट वेंचर ने मिलकर दो मास्टर क्लास ब्लेंडर को एंगेज किया। पहले थे हमारे अमृत के फेम वाले सुरेंद्र कुमार, और दूसरे अमेरिका की लीडिंग ब्लेंडर नैंसी फैरले, और फिर इन दोनों ने मिलके जन्म दिया इस सिंगल मॉल्ट को। बस इतनी ही कहानी है दोस्तों। और इन्होंने बताया है कि बैच नंबर 4 है, मैन्युफैक्चर्ड है मई 2021 की, गोवा में मुझे पड़ी थी तकरीबन 3,000 रुपये की। आपके शहर में क्या प्राइस है इसका, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। इसके बारे में इतना ही, बहुत ही सुंदर इंडियन मोटिव्स यूज़ किए हैं इस केस के ऊपर। अब जाएंगे बॉटल की तरफ। अगर आप इसकी बॉटल को देखेंगे, अच्छा उससे पहले केस की एक और बात, यहाँ पर उन्होंने अंदर फिर से कामट कामट करके लिखा हुआ है। केस को करते हैं थोड़ा परे, इसके केस से एक अजीब सी एक स्मेल आती है जो मुझे पसंद नहीं आई। परंतु अब बारी बॉटल की, बॉटल की बारी। हूबहू केस की तरह ऊपर पर्वत कामत सिंगल मॉल्ट तोता बना के लिखाया हुआ है, एकदम जैसे केस पे था। पीछे देखते हैं, पीछे भी कोई भी नई बात नहीं है, सेम कहानी, सेम कविताएं, एग्जैक्टली द सेम। बस इसके इंग्रेडिएंट जो है मैंने आपको बताए नहीं है, वो मैं आपको भी पढ़ के बताता हूँ। इंग्रेडिएंट जो है इसके वो हैं डीमिनलाइज वाटर और मॉल्ट स्पिरिट, मतलब कोई भी रंग यूज़ नहीं किया है, कोई भी ग्रीन न्यूट्रल स्पिरिट यूज़ नहीं की है। बॉटल के बारे में इतना ही, आगे बढ़ते हैं। बॉटल को खोला जाए, हो जाए इसकी पोरिंग, फटाक से इसका खोलते हैं केस, करते हैं इसको परे, टोपी कॉपी करेंगे परे। इन्होंने भी कॉक दिया है जो आजकल हर सिंगल मॉल्ट दे रहा है। कोशिश करेंगे पॉप सुनने की। ब्रिलियंट, ओ वाव, एक वाइन टाइप का एक मेरे को नोट आ रहा है। पोरिंग करते हैं इसकी जल्दी से। ये जो विस्की है सिंगल मॉल्ट है, इसमें ना ही कोई रंग ऐड किया गया है और नॉन चिल फिल्टर है। बंद हुआ कॉक और करते हैं इसकी नोसिंग।
एक्सट्रीमली फ्रूट फॉरवर्ड, एक हल्का सा ओक का नोट आ रहा है, और फिर ड्राई फ्रूट्स रेसिंस खींच के बाहर निकल के आ रहे हैं। फिर मेल बैठा है वनीला और कैरमल का, बहुत ही प्लेजेंट नोट्स है कामट की, कामट की बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। तो इतना ही, एक फ्रूट फॉरवर्ड ओकेनेस, मॉल्ट बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, अल्कोहल विल्फ गायब है, थोड़ा सा वनीला, थोड़ा सा कैरमल एंड ड्राई फ्रूट्स। चलिए अब करते हैं इसकी टेस्टिंग, हमेशा की तरह एक छोटा सा सिप टिप पे। फ्रूट फॉरवर्ड से हट के अब ये ओक फॉरवर्ड हो गया है, एक टनानिंस आ रहे हैं जो कि आपके वाइन के हो सकते हैं, हल्की सी एसिडिटी भी है, थोड़ा सा वनीला है और थोड़े से स्पाइसेस भी हैं। एक मुड़ा सिप देखते हैं, एक काफी बढ़िया टेस्टिंग सिंगल मॉल्ट है ये, जो कि नोज में फ्रूट फॉरवर्ड है और टेस्ट में ओक फॉरवर्ड है। वाइन काफी ऊपर के आ रहा है, एक स्वीटनेस है, एक नटीनेस है, और आते आते एंड में एक डार्क चॉकलेट का पैलेट का पुछ होकर जाती है। स्मूथ पीस का काफी बढ़िया है, थोड़ा लंबा ही चल रहा है मैं मानूंगा। शो में सबसे लास्ट में आई, बट कहना अभी भी मुश्किल है कि नंबर वन पे आएगी कि नहीं आएगी। सबका मैं फिर से करूंगा एनालिसिस, फेस ऑफ होगा बैक टू बैक, इसका और इंट्री का, इसका और थ्री मंकीज का, देखेंगे कौन उभर के आती है। तो ऑन द नोज एंड ऑन द टेस्ट इट्स प्रीटी गुड। करते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष ऐसा है कि देखो दोस्तों, इन्होंने जो पहली शुरुआत की सिक्स रो बार्ली की और तीन डिफरेंट कास्ट, स्पेशली वाइन कास्ट, वो इतना सक्सेस हुआ कि बाकियों ने इनको फॉलो किया, तो उस बारे में तो इनको देना चाहिए एक थम्स अप, ग्रेट स्टार्ट। बाकी जो सिंगल मॉल्ट की बात है, इसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी भी है, वो नुवांसेस भी हैं जो सिंगल मॉल्ट में होने चाहिए। जो मुझे अच्छा लगा कि नोजिंग और टेस्टिंग में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, ऑफकोर्स दोनों साइड में वनीला पुट के आता है। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया सिंगल मॉल्ट बनाई है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत जल्दी मैं बाकी फेस ऑफ भी लेकर आता हूँ, अब तक बने रहने के लिए शुक्रिया।